स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के ठीक दो दिन पहले यानी कि अभी थोड़ी देर पहले अजिंक्य रहाणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसमें भारत के मीडिया थे, बाकी मीडिया भी था, आईसीसी ने कराया था। और बड़े कूल, कंपोज्ड, रिलैक्स्ड अजिंक्य रहाणे, कई सवाल उनसे किए गए, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात यही निकल कर आई कि हम भारत की ताकत को जानते हैं और भारत अपनी ताकत पर खेलेगा। एक ये भी सवाल उनसे पूछा गया कि भाई न्यूजीलैंड की टीम भी भारत की तरह करिश्माई खेल खेल कर आई है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में रहाणे की कप्तानी में ही भारत के कई खिलाड़ी इंजर्ड थे या वापस आ चुके थे, बावजूद उसके भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, और कुछ उसी तरह न्यूजीलैंड ने अभी पिछले टेस्ट मैच में किया था जब उनके 6 खिलाड़ियों को बदलने के बावजूद उन्होंने इंग्लैंड को टेस्ट मैच में हराया। तो रहाणे ने कहा, देखिए ऐसा है, न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, वो इसीलिए फाइनल खेल रही है, और हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड की ताकत क्या है, हम उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमें अपने हिसाब से खेलना है, और अगर दो टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल रही हैं तो दोनों अच्छी ही होंगी। उनसे उनके अपने बारे में भी पूछा गया, क्योंकि हर बार होता है ना कि रहाणे की फॉर्म को लेकर सवाल उठते हैं, हर बार ये कहा जाता है रहाणे की ये सीरीज अच्छी नहीं हुई तो पता नहीं क्या होगा। लोग ये भूल जाते हैं कि इस वक्त जो पूरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल है, 1000 से ज़्यादा रन रहाणे ने बनाए हैं और भारत के लिए वो हाईएस्ट रन गेटर हैं। तो ये भी सवाल उनसे किया गया, तो रहाणे ने कहा कि क्योंकि मेरी इतनी आलोचना हुई है इसीलिए शायद मैं यहाँ हूँ, मतलब कि मैंने उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव तरीके से लिया, मैंने अपने आप को पुश किया और बल्ले से मैंने रन बनाए हैं। इंग्लैंड में बैटिंग क्या करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि साउथहैम्पटन में जहाँ पर यह मैच खेला जाएगा उसी काउंटी हैम्पशायर के लिए आज से 2 साल पहले वो खेले थे। तो उन्होंने कहा, देखिए इंग्लैंड में खेलने का तजुर्बा बहुत है, न सिर्फ रहाणे को बल्कि बाकी खिलाड़ियों को भी, 14 का टूर कई खिलाड़ियों ने किया, 18 का टूर कई खिलाड़ियों ने किया है, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं, तो जो चीज़ें आपको करनी होती है वो हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब मैच शुरू होता है तो कभी कभी क्या होता है कि आप जो चाहते हैं वैसा नहीं होता। तो जो बातों में से बात निकल कर आई वो ये है कि प्रैक्टिस भारत ने जितनी कर सकते थे उस तरह की है, इस बात को समझते हैं कि न्यूजीलैंड को एडवांटेज है क्योंकि वो भारत से पहले इंग्लैंड में है, वहाँ पर वो 2 टेस्ट मैच खेल भी चुके हैं, लेकिन जितना वक्त मिला है रहाणे के हिसाब से भारत को उसी का फ़ायदा उठाना है। उनसे विकेट के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक उस तरह से विकेट की फाइनल लुक नहीं देखी है, जो भी दिया जाएगा हम उस पर खेलेंगे। तेज़ गेंदबाजी पर सवाल, उन्होंने कहा हमारी ताकत है, हम अगर इतने टेस्ट मैच जीतते हैं तो उसमें गेंदबाजों का योगदान भी बहुत है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रहाणे से पूछी गई, उन्होंने जवाब दिए, लेकिन जिस तरह से उनकी बैटिंग है, क्लोज टू बॉडी एंड बाकी गेंदे बाहर छोड़ दो, उसी तरह की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन बातों में से बात सबसे बड़ी यही निकल कर आती है कि भारत क्रिप नहीं कर रहा, भारत ये नहीं कह रहा यार देखो हमें प्रैक्टिस का इतना मौका नहीं मिला, यार देखो क्या होगा। उन्होंने कहा यार ठीक है, बड़ी टीम है, हालात के हिसाब से जिस तरह का प्रिपरेशन का मौका मिला है उस तरह की प्रिपरेशन हम सबकी है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बहुत थोड़ी देर में, बहुत जल्द स्पोर्ट्स पर हम दिखाएंगे, प्लस आप जानते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर जो एक्सक्लूसिव कवरेज है स्पोर्ट्स तक पर जारी रहेगी। कल यानी कि थर्सडे टेस्ट मैच से एक दिन पहले 17 जून को सलाम क्रिकेट कॉन्क्लेव होगा, जिसमें सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, वीवीएस लक्ष्मण, गौतम गंभीर, सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह और सौरभ गांगुली क्या कहते हैं इस मैच के बारे में, भारत की क्रिकेट की जो जर्नी है उसके बारे में, वो आपको लाइव एंड एक्सक्लूसिव मिलेगी स्पोर्ट्स तक पर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।